हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट, तो आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड एक बेसिक कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। बेसिक है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास अगेन होने वाला है। कन्फ्यूजन को क्लियर करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है फिजिक्स के थ्योरी से रिलेटेड या फिर नीट या जेई के किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक एक एक कन्फ्यूजन को हम लोग क्लियर करते चले जाएँ। स्टूडेंट, अब आज का जो कन्फ्यूजन है ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आरव गुप्ता का, और इनका क्वेश्चन है कि why two parallel forces ब्रैकेट में इन्होंने वेक्टर लिखा है, obviously force वेक्टर क्वांटिटी होता है, having same magnitude but acting at two different positions on an object are said to be equal vectors। स्टूडेंट समझिएगा, इनका क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि मान ले यहां पर एक कोई रिजिड बॉडी, इनका क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी पर मान लिया दो पैरेलल फोर्स लग रहा है, दो पैरेलल फोर्स लग रहा है, फोर्स मान लिया एक फोर्स ये F1 है और एक दूसरा फोर्स मान लेते हैं F2 है, दो पैरेलल फोर्स लग रहा है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मान लेते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका भी वैल्यू 5 न्यूटन है, इसका भी 5 न्यूटन है, एट टू डिफरेंट पोजिशन, किसी बॉडी पर लग रहा है दो अलग अलग पोजिशन पर लग रहा है, तो इसको हम इक्वल वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि प्राइमा फेसी भाई जाहिर सा बात है इक्वल हम किसी भी दो वेक्टर को तब कहते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, जो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस हिसाब से तो भाई इक्वल वेक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि भाई दोनों का इफेक्ट तो अलग होगा ना, इफेक्ट अलग होगा, जाहिर सा बात है इसके चलते क्या होगा, ये बॉडी जो है कुछ इस तरह से टॉपल करेगा, ये गिर जाएगा लाइक दिस, ये इस तरह से ऐसे बॉडी जो है गिर जाएगा, और इसके चलते जो बहुत लगभग बॉटम के पास हम लगा रहे हैं, इसके चलते हो सकता है ये गिरे नहीं स्लाइड करे, इफेक्ट तो अलग अलग है, तब भी इसको हम इक्वल वेक्टर क्यों कह देते हैं, ये इनका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा स्टूडेंट। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के पहले मैं आपको पहले एक बेसिक बात ये बताऊं कि किसी भी दो फोर्स को या किसी भी दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहते हैं, समझिएगा, अगर कोई भी दो वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कुछ भी, अगर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो सिंपल बात है भाई कि हम उसको इक्वल वेक्टर कहते हैं, वेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से। कहने का मतलब है मान लिया कि एक 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके पैरेलल में अगर 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे, वही कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर उस हिसाब से इसको भी तो इक्वल कहना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, हाँ ये इक्वल वेक्टर है। लेकिन कंफ्यूजन क्या हो जाता है कुछ स्टूडेंट को, इनको ये सेम वेक्टर समझ लेते हैं, समझिएगा दो बातें हैं, एक है इक्वल वेक्टर होना, इक्वल होना, दो पर्सन है ठीक है, दोनों में बहुत सा सिमिलरिटीज है, या फिर पैसा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, दे आर इक्वल ठीक है ना, रिगार्डिंग मनी ठीक है, बट दे आर नॉट द सेम, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है, कुछ उसी तरह की बात है। यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टूडेंट को क्या हो जा रहा है कि इक्वल क्यों कह दे रहे हैं भाई, इक्वल वेक्टर तो है ये क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, बट सेम नहीं है, इक्वल है बट सेम नहीं है, एंड डैट्स वाई दोनों का इफेक्ट अलग अलग हो जा रहा है, एक्टिंग एट टू डिफरेंट प्लेसेज, क्लियर स्टूडेंट।